हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये क्लास नाइन का मैं शुरू कर रहा हूँ और साइंस से शुरू कर रहा हूँ। साइंस में जो फिजिक्स का पहला लेसन क्लास नाइन्थ में जो पढ़ना है वो है मोशन, ठीक है। तो मैं आज मोशन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, मोशन के बारे में डिटेल स्टडी आपको इसमें बताऊंगा। बेसिकली तो ये क्लास नाइन्थ के लिए है, लेकिन क्लास सिक्स से लेकर के एट तक के सभी बच्चे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं, उनके लिए फायदा ही होगा क्योंकि आप लोगों को भी मोशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमको ये समझना है यहाँ पे कि व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन, मोशन कहते हैं किसको है। तो देखिए, मोशन का मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है, पहले मैं आपको डिफाइन करके बता दे रहा हूँ कि इफ अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट विद टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, ठीक है। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एज रिफरेंस पॉइंट। अगर कोई बॉडी, ठीक है, लगातार अपने पोजीशन को चेंज करती है, जैसे मान लीजिए मेरा ये पोजीशन है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, अभी मैं खड़ा हूँ तो मैं मोशन में नहीं हूँ। अब इस पॉइंट के अगेंस्ट मैं थोड़े दिन इधर चला आया, मोशन में आ गया, ठीक है, फिर मैं इधर आ गया, ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मोशन में हूँ, तो मेरी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस तरीके से कि जैसे आप घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, ठीक है, जैसे आपका स्कूल मान लीजिए 8:30 पे लगता है, ठीक है, आप 8 बजे घर से निकलते हैं, 8 o'clock आप मॉर्निंग में स्कूल निकल जाते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो घर है उससे जो है आपका पोजीशन क्या होता है, चेंज होता रहता है, और एक टाइम के बाद आप क्या होते हैं, स्कूल पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसी को मोशन कहा जाता है कि जब कोई बॉडी, ठीक है, टाइम के साथ, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट के अगेंस्ट लगातार अपने पोजीशन को चेंज करती है तो हम क्या कहते हैं कि बॉडी मोशन में है, ठीक है, यही क्या है, मोशन है। मोशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मोशन जो है, मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। गैलीलियो जो महान दार्शनिक के फिलोसफर हैं, उनका ये कहना था कि नो वन इन दिस यूनिवर्स इज इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट। कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी चीज जो है एकदम एब्सोल्यूट रेस्ट के अवस्था में नहीं है। ऐसा कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में सोए हुए हैं, ठीक है, बिस्तर पे सोए हुए हैं, आपको लग रहा है क्या कि आप रेस्ट में हैं, ठीक है। लेकिन अगर सन को रिफरेंस पॉइंट मान लिया जाए, सन सूर्य को रिफरेंस पॉइंट मान लिया जाए, तो आप ये समझिए कि अर्थ जो होती है सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो सन के अराउंड हम क्या है, हम अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ जब घूमेगी तो हम भी घूमेंगे, तो सन के अराउंड हम क्या है, मोशन में है। भले ही हमको लग रहा हो कि हम क्या है, रेस्ट में है, लेकिन सन के अराउंड हम क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, ठीक है। तो मोशन सिंपली यही है कि जब कोई बॉडी लगातार अपना पोजिशन टाइम के साथ चेंज करती है तो हम कहते हैं बॉडी क्या है, मोशन में है, ठीक है। अब मोशन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मोशन के बाद बहुत सारी चीजें, मोशन से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी, उसमें बहुत सारी चीजें वो समझनी होती हैं। अब उसमें जो अगली चीज है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस को हिंदी में कहा जाता है दूरी, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं या कोई बॉडी एक जगह से दूसरे जगह जाती है, ठीक है, तो वो किसी रास्ते से जाती होगी, उस रास्ते की जो लंबाई होती है, ठीक है, उस रास्ते की जो लंबाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उस रास्ते की जो क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, समझिए, अब मैं दो पॉइंट ले आऊं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। मान लीजिए बॉडी ने ए से चलना शुरू किया, बॉडी जहां से शुरू करती है चलना उसको कहा जाता है इनिशियल पोजिशन, क्या कहते हैं, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और दूसरा जो पोजीशन है जहां पे बॉडी पहुंचती है उसको कहा जाता है फाइनल पोजीशन, ठीक है। मान लीजिए दो पोजीशन है, ठीक है, मान लीजिए ए जो है गोरखपुर शहर है, ठीक है, ये आपका गोरखपुर हो गया, ठीक है, और बी क्या है, दिल्ली है, ठीक है, न्यू दिल्ली है जो इंडिया का कैपिटल है, ठीक है। आप गोरखपुर से आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, तो आप जो है गोरखपुर से दिल्ली जा सकते हैं। तो देखिए, आप बीच में कानपुर पड़ता है, ठीक है, तो आप गोरखपुर से कानपुर गए और कानपुर से फिर क्या हो गए, न्यू दिल्ली चले गए, ठीक।
तो गोरखपुर से कानपुर और कानपुर से न्यू दिल्ली, तो जितना आपको चलना पड़ा इसकी लंबाई को अगर नाप लिया जाए तो वो क्या होगा, आपका डिस्टेंस होगा। ठीक है, दूसरा चीज है कि एक रास्ता बरेली से भी होके जाता है, ठीक है, ये भी एक शहर है, यूपी का बड़ा शहर है, ठीक है, तो आप इस रास्ते भी नई दिल्ली जा सकते हैं, आप यहां से बरेली गए, अब बरेली से फिर न्यू दिल्ली चले गए, ठीक है, तो जितना आपको चलना पड़ा उसी लंबाई को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। देखिए फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जनरली दो कैटेगरी में किया गया है, आप लोगों के लेवल पर यही जानिए, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। स्केलर, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है कि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब क्वांटिटी और डायरेक्शन से मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे मान लीजिए आप दुकान किसी दुकानदार के पास जाते हैं, ठीक है, आप मान लीजिए चीनी खरीदने के लिए गए, अब दुकानदार से कहेंगे अंकल जी हमको एक किलो चीनी दीजिए, ठीक है, आप क्या कहते हैं, एक किलो चीनी दीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में कि साउथ डायरेक्शन में कि ईस्ट में कि वेस्ट में, ऐसा कुछ तो नहीं कहते हैं ना, उसके लिए डायरेक्शन आप नहीं बोलते हैं, आप सीधे कहते हैं एक किलो चीनी दीजिए, तो वो एक किलो जो होता है वो क्या होता है, उस मास का क्या होता है, क्वांटिटी होता है। ठीक है, बाकी उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने गोरखपुर से दिल्ली जाना था आपको, ठीक है, तो आप दिल्ली में क्या हुआ, अब इसको जाने के लिए आपने दो रास्ता पकड़ा, या तो कानपुर होते हुए चले जाए, तो आपका देखिए डायरेक्शन इसमें चेंज हुआ ना, एक बार इधर जा रहे हैं एक बार इधर जा रहे हैं, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। बरेली रास्ते जाना है तो आप इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कोई रास्ता और भी हो बीच से जो होकर के जाता हो, पहुंचेंगे तो आप दिल्ली, ठीक है, तो ये जो रास्ते की लंबाइयां होती हैं यही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक बहुत सिंपल डिफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए था ये पॉइंट बी था, ये गोरखपुर है और ये दिल्ली है, नई दिल्ली है, आप जो है इस रास्ते भी दिल्ली पहुंच गए, आप इस रास्ते भी दिल्ली पहुंच गए, आप ये रास्ता पकड़ के भी दिल्ली पहुंच गए, तो इसमें आप जितना चलेंगे, ठीक है, ये सब क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा, क्या होगा, डिस्टेंस होगा। लेकिन मान लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आएगी आप लोगों के अंदर, सोच के देखिए, आपने गोरखपुर से फ्लाइट पकड़ लिया, गोरखपुर से क्या पकड़ा, फ्लाइट, ठीक है, और सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पे जाके उतर गए, ठीक है, बिल्कुल सीधे, देखिए यहां से कहीं कुछ घूमना नहीं है, ठीक है, तो ये जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे गोरखपुर से दिल्ली जाना था तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या था, यही था ना, ए से बी सीधे आप यहां से चले जाइए, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, बात समझ गए। तो देखिए अब डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डायरेक्शन है ना, अगर आपको गोरखपुर से दिल्ली जाना है बिल्कुल सबसे छोटे रास्ते जाना है तो पक्का है आपको इसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, इसके अलावा और किसी डायरेक्शन में आप जाएंगे तो क्या होगा, लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, तो यही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें देखिए डायरेक्शन भी है ना, अगर आपको गोरखपुर से दिल्ली जाना है बिल्कुल एकदम सीधा रास्ता, आपको मिनिमम डिस्टेंस पकड़ के जाना है तो आपको इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, नहीं तो मिनिमम डिस्टेंस नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब किसी बॉडी के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसी अगर फिक्स डायरेक्शन में हम कोई डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है।
तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क पता चला आपको कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये स्केलर और वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। वेक्टर क्वांटिटी देखिए फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी में केवल उसमें डायरेक्शन की जरूरत हमको नहीं पड़ती रिप्रेजेंट करने के लिए, और वेक्टर क्वांटिटी में हमको जो क्या होता है क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट, यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है। अब बात यहां ये भी समझना है कि व्हाट इज यूनिट, यूनिट कहते किसको है, फिर मैं उसी जगह घुमा फिरा कह रहा हूं। आप दुकान पे गए, दुकानदार से क्या कहते हैं, अंकल जी एक किलो चीनी दीजिए, क्या कहते हैं एक किलो, ये तो नहीं कहते ना अंकल जी एक लीटर चीनी दीजिए, या अंकल जी एक सेकंड चीनी दीजिए, या अंकल जी एक मीटर चीनी दीजिए, आप क्या कहते हैं एक किलो चीनी दीजिए। तो जो चीनी आप खरीदते हैं उसका जो मास है वो क्या होता है एक किलो, बात समझ रहे हैं ना, एक किलो, तो वो जो किलो होता है चीनी के मास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से फिजिक्स के अंदर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। जैसे चीनी के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाया गया, किलो बनाया गया है, उसी तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को नापने के लिए भी एक ही स्टैंडर्ड बनाया गया, उसे हम क्या कहते हैं, इसका यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम किलोमीटर में भी नापते हैं। ठीक है, किलोमीटर में नाप सकते हैं, मीटर में नाप सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, मिलीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यूनिट होता है। और इसका जो एस आई यूनिट, ठीक है, ठीक है, एस आई यूनिट का मतलब क्या होता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग नापने के लिए प्रणाली होती है, अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे गांव में क्या होता है, खेत वगैरह नापते हैं तो बहुत सारी जगह पे बीघा कहीं चलता है, कहीं डिसमिल चलता है, ठीक है, कहीं बिसवा होता है, कहीं एकड़ होता है, तो ये अलग अलग यूनिट होते हैं। तो इनसे बचने के लिए एक सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया है कि जहां पे जिसमें जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिट में नापा जाता है। तो एस आई ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है, एस आई ये एक्चुअल में उल्टा लिखा रहता है, सिस्टमो इंटरनेशनल है, लेकिन इसको ऐसे कहते हैं कि इंटरनेशनल यूनिट, ये पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक आपको मोशन समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आप वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। आप लोगों ने मोशन समझ लिया, मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे कि मोशन कितने तरह का होता है। ठीक है, मोशन कई तरह का होता है। ठीक है, हम यहाँ पे मोशन को, ठीक है, जो बॉडी चलती है लीनियर मोशन जो कर रही है, लीनियर मोशन मतलब कि सीधा स्ट्रेट, ठीक है, उस मोशन के हिसाब से दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहला क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, देखिए अगर बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कि समान समय में, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तब उस मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप बाइक चला रहे हैं और आपने बाइक का एक्सीलरेटर 40 पे फिक्स कर दिया, ठीक है, तो 40 पे फिक्स करने का मतलब क्या हुआ कि हर एक घंटे में आप 40 मीटर जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप एक घंटा चले तो 40 किलोमीटर जाएंगे, दो घंटा चले तो दो घंटे में 80 हो जाएगा, तीन घंटा चले तो 120 किलोमीटर हो जाएगा, चार घंटा चले 160 किलोमीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हर एक घंटे में आप कितना किलोमीटर जा रहे हैं, 40 किलोमीटर जा रहे हैं। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। देखिए मैंने इसको डिफाइन भी किया है, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तब उसके मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होता है कि इसका ग्राफ बनाने के लिए आता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में कहा जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए, क्या करने के लिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है,
ग्राफ जानते हो ना, ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ उसमें बनाया जाता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ दिया रहता है और कहता है बताइए कि ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, ग्राफ देख करके बताना होता है। तो मैं आपको पहले यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना के समझा रहा हूं, फिर आप देखिएगा कि मोशन का यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या होता है, आप जानते हैं दो एक्सिस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये मान लीजिए यहां पे हमने टाइम ले लिया, टाइम किसमें मेजर किया, सेकंड में, ठीक है। और इस पे हम किसमें नाप रहे हैं, इसको हम क्या नाप रहे हैं, डिस्टेंस को नाप रहे हैं, क्या नाप रहे हैं, डिस्टेंस। और डिस्टेंस किसमें है, मीटर में, ठीक है। ये दूसरा वाला एक्सिस है, इस पे हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, क्या है ये, डिस्टेंस। और डिस्टेंस किसमें नाप रहे हैं, मीटर में, ठीक है। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको क्या बताया कि बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए टाइम जीरो, जीरो सेकंड का मतलब हुआ चलना शुरू नहीं किया, अब मान लीजिए मैं रुका हूं जीरो सेकंड, नहीं चल रहा हूं, ठीक है। एक सेकंड बाद दो मीटर चला, एक सेकंड हुआ दो मीटर चल लिया, दो सेकंड में चार मीटर चला, तीन सेकंड में छह मीटर, चार सेकंड में आठ मीटर। अब यहां पे देखिएगा कि हर एक सेकंड में कितना चल रहा है, देखिए एक सेकंड से दो सेकंड हुआ तो कितना चला, दो से चार चला ना, मतलब चला कितना, दो ही मीटर चला। फिर अगले एक सेकंड में चार से छह, दो ही मीटर चला। फिर अगले एक सेकंड में छह से आठ, दो ही मीटर चल रहा है ना। तो हर एक सेकंड में बॉडी कितना मीटर चल रही है, दो मीटर चल रही है, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब इसका ग्राफ देखते हैं, देखिए ये टाइम है, टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ये जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया और ये फोर हो गया, ठीक है। और डिस्टेंस देखिए, ये मान लीजिए टू और ये फोर, ये सिक्स और ये एट, ठीक है। अब देखिए जीरो पे कितना है, जीरो है, ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। एक सेकंड में दो मीटर है, जब टाइम एक सेकंड हो रहा है तो डिस्टेंस कितना हो रहा है, दो मीटर हो रहा है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। दो सेकंड में चार हो रहा है, देखिए चार यहां पे है, ठीक है, दो सेकंड में चार मीटर हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ठीक। तीन सेकंड में छह, तीन सेकंड में क्या हो रहा है, ये छह हो रहा है, ठीक है। और चार सेकंड में कितना हो रहा है, आठ, ठीक है। देखिए एक सेकंड में दो मीटर, दो सेकंड में चार मीटर, तीन सेकंड में छह मीटर, चार सेकंड में आठ मीटर, ठीक है। ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, देखिए ये दो है, ये चार है, ये छह है और ये क्या है, आठ है, ठीक है, मीटर में। अब जरा इसको मिलाया जाए, सारा पॉइंट को हम मिलाते हैं तो क्या हो रहा है, देखिए एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इस तरह की लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जब भी हम यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचते हैं तो हमको कैसी लाइन मिलती है, सीधी लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में कभी भी डिस्टेंस और टाइम के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे तो कैसा लाइन मिलेगा हमको, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचा हुआ है और ऐसे आपको सीधा लाइन मिल रहा है तो इसका मतलब कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। अब दूसरा मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, ठीक है। इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, रोड खाली होता है, बहुत तेज जाते हैं, ठीक है, मतलब कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। लेकिन अगर कहीं जाम हो जाता है तो क्या करते हैं, हमारी स्पीड कम हो जाती है तो ज्यादा टाइम में हमको थोड़ी दूर जाते हैं, ठीक है। इस तरीके का मोशन होता है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब कि बॉडी जो है टाइम वही है लेकिन उस टाइम इंटरवल में उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, बदलता है। अब जैसे इसमें हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, अब देखिए जीरो पे तो जीरो है, एक पे दो मीटर हुआ, दो पे तीन है, तीन पे सात। अब यहां पे देखिए, यहां पे बॉडी एक सेकंड में कितना मीटर चल रही है, एक मीटर, लेकिन दो से तीन सेकंड में कितना हो रहा है, तीन से सात हो जा रहा है ना, मतलब चार मीटर चला। और फिर तीन से चार में सात, तीन दस, तीन मीटर चला। तो यहाँ हर एक सेकंड में क्या हो रहा है, डिस्टेंस बदल रहा है। तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब इसका भी हम ग्राफ खींच के देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका टाइम हो गया जीरो वन टू, जीरो वन टू थ्री और ये फोर, ये टाइम हो गया आपका, ये हमने सेकंड में मेजर किया है, ठीक है। और ये इस पर डिस्टेंस हम मेजर कर ले रहे हैं, ये डिस्टेंस है, ठीक है,
ये मीटर में हमने नापा है, यूनिट लिखना जरूरी होता है, टाइम को सेकंड में नापा जाता है। और ये मान लीजिए 2 मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया, ये 6 मीटर हो गया, और ये क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इससे आगे हमको जरूरत है नहीं। अब देखिए 0 पे 0 है, ठीक है, 1 सेकंड पे बॉडी का मीटर चल रही है 2 मीटर, ठीक है, ये 1 सेकंड और ये 2 मीटर है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया 1 सेकंड पे 2 मीटर, ठीक है। 2 सेकंड में कितना, 3 है, ठीक है, तो 3 कहाँ आएगा, 2 और 4 के बीच में आएगा, ये मान लीजिए आपका 3 हो गया, ठीक है, तो 2 सेकंड पे क्या हो गया, 3 मीटर हो गया, ठीक। 3 पे क्या है, 7 है, ठीक है, 3 पे जो है 7 है, तो 7 किस में आएगा, 6 और 8 के बीच में आएगा, ये 7 हो गया, तो 3 पे क्या हो गया, 7 हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। और 4 पे 10 है, 4 पे जो है आपका क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है, ये चौथा पॉइंट, ठीक। अब जरा इसको मिलाइए सारे पॉइंट, देखिए अब ये कैसा लाइन मिला, इसमें स्ट्रेट मिला था, ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचते हैं तो उसमें हमको क्या मिलता है, कर्व मिलता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक अगले डिस्कस होगा।